सिर मुंडवाया है, ये किसी एक बात को लेकर मुंडवाया जाता है। अगर मैं साफ सीधी बात कह दूं कि जब कभी अनहोनी होती है, अगर परिवार के अंदर अनहोनी होती है, तो वो अपने बाल मुंडवाए जाते हैं। ये कहते हैं कि जो हमारे माँ बाप चले गए तो उनके साथ में बाल भी जा रहे हैं, तो आज इन्होंने बाल मुंडवाने का क्या कारण है हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम प्रदीप है वैसे तो, पर हम लोग किसी एक नाम से मुंडन नहीं करवा रखा है। स्टूडेंट, हम एक स्टूडेंट है SSC स्कैम पे। हम सब लोगों ने पूरे देश में आज SSC जिस जिसकी इच्छा है, सबने जो है मुंडन कराया। लगभग 2.5 लाख छात्र छात्राओं का जो आज मुंडन का हमारा कार्यक्रम था, पूरे देश में जो है चल रहा है, यही नहीं पूरे देश में चल रहा है। क्यों मुंडन कराया आपने? ये जैसा आप, जैसा कि हमारे समाज में होता है कि हमारे जब फैमिली में किसी की डेथ होती है हमारे परिवार में, तो तब जो उनके श्राद्ध पे मुंडन कराते हैं हम लोग। तो SSC और हमारा भी छात्रों का कुछ ऐसा ही हमारा रिलेशन है परिवार का। तो आज से हमने जो SSC को मृत मान लिया है, तो इसीलिए उसके श्राद्ध में जो हम लोगों ने, इतने लोगों ने मुंडन कराया है। SSC को माना है कि SSC के आला अधिकारियों को आपने मृत माना है? वही है SSC के अधिकारी चला रहे हैं। देखिए, SSC के जो अधिकारी है सीधा सीधा उनके ही लिए हैं। अधिकारी ठीक होंगे तो SSC अच्छी चलेगी। उसके अंदर सिस्टम के अंदर गलत लोग जो बैठे हैं, ये उनकी बात की जा रही है। जो भी लोग गलत हैं, जो भी CBI में दोषी पाए जाएंगे, ये आक्रोश उन लोगों के प्रति है। तो क्या मांगे आप CBI से, क्या जांच करवाना चाहते हैं? हमारी कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, 9 दिनों से हम लोग लगातार बैठे हैं। हमारी दो ही मांगे हैं कि SSC के द्वारा जितने भी जो है एग्ज़ाम कराए जाते हैं, गत वर्ष में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, 2018 क्या 2017 नहीं सबसे 2013 से लेकर जितने भी जो है एग्ज़ाम हुए हैं SSC के द्वारा, उसकी जो है CBI द्वारा निष्पक्ष जाँच हो और सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हो, दूसरी और एक टाइम पीरियड में जाँच हो। दूसरी जो हमारी मांग है कि जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक जो है SSC के द्वारा कराए जाने वाले सभी एग्जाम पे स्टे लगाई जाए।